कनाडा स्पाउस वीजा, इसका क्या ट्रेंड चल रहा है और जो स्पाउस वीजा लगाना चाहते हैं उनको किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है? क्या स्पाउस वीजा साथ ही लगना चाहिए या कुछ दिन बाद या एक सेमेस्टर के बाद? किसकी वीजा सक्सेस ज्यादा है और स्पाउस वीजा किन क्लाइंट्स को अभी अप्लाई करना चाहिए या किन को अभी वेट करनी चाहिए, सारा मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बेल्स ओवरसीज, द साउंड ऑफ योर फ्यूचर। हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। कनाडा स्पाउस वीजा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ट्रेंड की। तो ट्रेंड इस टाइम बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा ट्रेंड है। आज ही हमें कनाडा स्पाउस वीजा मिला है जगदीश का, जिसका कि हमने जस्ट 10 डेज में ही वीजा मिला है। इससे पहले हमने सचिन शर्मा का वीजा लिया था, वो भी जस्ट 20 डेज में ही उसका वीजा आ गया था। आज 10 डेज में ही हमें वीजा रिसीव हो गया। कनाडा, मैं कहता हूँ कि स्पाउस वीजा का इस टाइम गोल्डन पीरियड चल रहा है। जो भी स्पाउस वीजा अप्लाई करना चाहते हैं वो इमीडिएटली कर सकते हैं। इसका रिजल्ट्स भी जल्दी आ रहा है और सेकेंडली इसका जो वीजा सक्सेस है वो भी अच्छा चल रहा है। आपको पता है कि पीछे स्पाउस वीजा में 6-6 महीने भी लगे हुए हैं, लेकिन इस टाइम पे स्पाउस वीजा वो प्रायोरिटी पे है कि उनको इमीडिएटली वो डिसीजंस भी दे रहे हैं और रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आ रहे हैं। स्पाउस वीजा, अब क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे क्लाइंट्स कहते हैं कि क्या हमें साथ ही स्पाउस वीजा अप्लाई करना चाहिए या कुछ दिन बाद, 15-20 दिन बाद, क्लाइंट के जो मेन एप्लीकेंट है वो अगर कनाडा पहुंच जाता है उसके 15-20 दिन बाद अप्लाई कर दें, या आपको एक सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद उसके ट्रांसक्रिप्ट लगा के करना चाहिए। तो अगर तो आप साथ वीज़ा अप्लाई करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन हमारा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है उसकी वीज़ा सक्सेस हमेशा ही कम रहती है। उसमें थोड़ा बहुत डेंजर रहता है अगर आप स्टूडेंट के साथ ही स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं। हाँ, बेस्ट ये है कि अगर आप एक सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद अप्लाई करते हैं उसकी ट्रांसक्रिप्ट लगा के, तो आपका वीज़ा बहुत जल्दी भी आ जाएगा, सेकेंडली रिजल्ट्स भी पॉजिटिव रहेगा। हाँ, अगर आपको कोई इमरजेंसी एक्सीजेंसी है तब आप 15 डेज बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइम वीज़ा ट्रेंड काफ़ी अच्छा है, बट फिर भी मैं एडवाइस करता हूँ कि एक सेमेस्टर के बाद ही लगाया जाए। 15 दिन बाद भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी लगा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इसमें एक प्रॉपर हमारी बेल्स ओवरसीज की तरफ से एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की हमने लिस्ट बनाई हुई है। हम टिक 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 करते हैं, जब तक कि वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते तब तक हम कनाडा का स्पाउस वीज़ा नहीं लगाते। इसी कारण है कि कनाडा के स्पाउस वीज़ा हमारा वीज़ा सक्सेस बहुत अच्छा है। जितनी भी अभी हम फाइल हमने रिसेंटली लगाई है सभी का वीज़ा आया और कोई भी एप्लीकेशन उनमें से रिफ्यूज़ नहीं हुई। तो अब तो जस्ट 10 डेज में वीज़ा आ रहा है, फिर भी जो क्लाइंट्स अप्लाई करना चाहते हैं स्पाउस वीज़ा, चाहे आप हमारे से करें, बेल्स ओवरसीज से करें या ABC ओवरसीज, किसी से भी करें, आपको राइट टाइम है, आप डेफिनेटली अप्लाई कीजिए। लेकिन डॉक्यूमेंट की वो जो हमारी लिस्ट है वो पूरे डॉक्यूमेंट जरूर साथ में लगाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल्स ओवरसीज, द साउंड ऑफ योर फ्यूचर।